हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीवो वाई 200 जो कि एक न्यू स्मार्टफोन निकला है वीवो का, उसमें आप ओटीजी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओटीजी आपको कनेक्ट नहीं करने आता है तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वही प्रोसेस आपको करनी है, उसके बाद आपका जो ओटीजी है वो कनेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पर और वहां पर डिटेल के साथ बताता हूँ कैसे आपको ओटीजी कनेक्ट करनी है अपने वीवो वाई 200 में। तो यहाँ पे देखिए फोन डिस्प्ले पे आ गई और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ जो कि वीवो वाई 200 स्मार्टफोन में ओटीजी की ओटीजी आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपको नहीं करना है तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक ओटीजी होना चाहिए, देख सकते हैं मेरे पास ओटीजी है टाइप सी का। अगर इसे आप बाय करना चाहते हैं तो इसका प्राइस अब मैं बता दूं कि 30 से 35 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको 200 भी आपको लग सकती है अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो। और एक मेरे पास है पेन ड्राइव जो कि यहाँ पे कोई सा भी आप पेन ड्राइव यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास है 32 GB का यहाँ पे पेन ड्राइव है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, फोन डिस्प्ले आपको फोन पे आ जाने होगी, आने के बाद आपको सेटिंग्स ओपन करनी होगी। इसका सेटिंग्स आपको दिख रहा होगा तो सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं सेटिंग्स ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको थर्ड में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्लूटूथ डिवाइस का, एक ऑप्शन आपको शो रहा हो तो ब्लूटूथ डिवाइस पे आपको क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 से 4 बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका फोर्थ में आपको ओटीजी करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ओटीजी जो कि योर फोन भी कनेक्ट कैन बी कनेक्टेड यूएसबी फ्लैश जो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या करना, आपको ओटीजी को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अगर 5 मिनट से ज्यादा हो गया सिस्टम है कि ऑटोमेटिक आपका ओटीजी 5 मिनट के बाद आपको बंद हो जाएगा। तो ये काफी कमाल के पीछे चलेगा। उसके बाद चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फाइल में, तो मैं फाइल में ले जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइल अपना ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको इंटरनल स्टोरेज सिर्फ दिखा रहा है, फोन का जो स्टोरेज है वही सिर्फ दिखा रहा है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो इंटरनल स्टोरेज है और इंटरनल स्टोरेज आपको दिखा रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ कनेक्ट कर दिखाता हूँ, मेरा पिन ड्राइव भी यहाँ पे होगा और कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, फोन को आपको यहाँ पे देख लीजिए फोन का जो चार्जिंग है देख पा रहा हूँ, तो चार्जिंग वाले में आपको ओटीजी है वो लगा लीजिए। चलिए मैं लगा देता हूँ, ओटीजी को लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आपको जो पिन ड्राइव आपको दिख रहा हो तो पिन ड्राइव को क्या करना, ओटीजी में आपको लगा देना। कैसे आपको लगाना है यहाँ पे देख लीजिए, अपने हिसाब से आप लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोन पे चले आना है। फोन के बाद देख सकते मैं इस तरह से लगा लिया यहाँ पे पिन ड्राइव मेरा और यहाँ पे आपको ओटीजी दिया वो लगा लिया। लगाने के बाद आपको क्या करना, आपको जहाँ पे आपको जो फाइल है वो आपको ओपन करनी। चलिए मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए फाइल ओपन किया, फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मास्टर स्टोरेज करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो, यहाँ पे देख रहे मास्टर स्टोरेज, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जितना भी फाइल है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको शो होने लगा, देख पा रहे हो। तो इस तरह से करके आप वीवो वाई 200 में ओटीजी आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल AKG सपोर्ट पे।